subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं एक जिम जाता था, शाहनगर जिम बोलते हैं, वहाँ पे वहाँ के रूल बहुत ही अलग थे. शॉर्ट्स में वर्कआउट करना है और जूते पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते. पुरानी फोटो दिखा के बोल सकता हूँ एम्बैरेसिंग, अभी की तो कोई एम्बैरेसिंग है नहीं. ये फोटो भी लोगों के पास नहीं है, ये भी मेरे को फेसबुक के वो अकाउंट से मिले. हाय, मैं वरदान शेख और अब आप देखने जा रहे हैं व्हाट्स ऑन माय फोन. कौन सा फोन है आपके पास? व्हिच फोन डू यू ओन? गरीब आदमी, 15 प्रो मैक्स. योर होम स्क्रीन वॉलपेपर दिखाइए. होम स्क्रीन, होम स्क्रीन आपके सफारी पे लास्ट 3 टैब्स कौन से खुले थे? एक लोकेशन सर्च करा था, मरीन ड्राइव गया था. फिर मेरे घर का एक लोकेशन है. फिर एक कव्वाल है जो मेरी संगीत में बुलाऊंगा तो उसको सर्च किया था, देख रहा था उसके. वाओ, कितने अलार्म्स हैं आपके फोन में? 3 है. ठीक है, ठीक है. You just told us. Number of photos in your phone gallery, मतलब अपना total count आता है ना? अच्छा. देख के बताओ. कितने हैं? 30,000. ये तो लड़कियों के फोन से भी ज्यादा हुए. स्टार्टिंग से सब 1 TB फोन है. ओह, नाइस नाइस. द मोस्ट एम्बैरेसिंग फोटो, आपकी सबसे एम्बैरेसिंग फोटो आपके फोन में कौन सी? मैं पुरानी फोटो दिखा के बोल सकता हूँ एम्बैरेसिंग, अभी की तो कोई एम्बैरेसिंग है नहीं. ओके. मैं पुरानी ही बता के बोल सकता हूँ क्योंकि वो सब मेरे को तो देख के भी हंसी आती है बहुत, और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ पोस्ट कर देता था. मैं अपने आप को क्या समझता था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है. और एडिट, बाप रे बाप. हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं सबसे वियर्ड, प्रॉमिस, सबसे वियर्ड फोटो दिखाने जा रहा हूँ. ये शायद मेरे फैन पेजेस लोग जैसे पुरानी फोटोज निकालते हैं ना, ये मेरे एक, एक, एक फेसबुक अकाउंट पे है. हाँ. पर वो फेसबुक अकाउंट लोगों को मालूम नहीं है. ओह. और ये फोटो बहुत पुरानी है, मतलब मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम क्लीन शेव हुआ था और 16-17 साल का था शायद. 17 या 18 साल का. कम ऑन, शो अस, शो अस ऑलरेडी. उसमें कैप्शन जो लिखा वो मत पढ़ना. परफेक्ट. आपके फोन में सबसे लास्ट फोटो कौन सी है? सबसे लास्ट फोटो किस चीज की हो, कोई भी, मतलब वीडियो है, स्नैप है, आते आते गाड़ी में बनाया. ओके, नाइस. आपके फोटोज एडिट करने के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो? मैं नहीं एडिट करता हूँ, रॉ ही डाल देता हूँ, या तो फिर एक है लड़का वो कर देता है एडिट. ओके, नाउ शेयर अ फोटो जिसके पीछे कोई मेमोरेबल स्टोरी होगी आपके पास. अच्छी या खराब, व्हाटएवर, व्हाटएवर यू वांट टू शेयर विद अस. बहुत पुरानी में जाऊं या थोड़ा सा, कोई कैसे? भी दैट इज, हमने आपको उसमें पूरा लीवे दे दिया है. हाँ, ये थोड़ा अच्छी है स्टोरी. मैं जिम ज्वाइन किया था 500 वाला, 500 पर मंथ था. फिर बाद में एक साल किया, फिर बाद में मैं बोला कि अब मैं खुद जॉब कर रहा हूँ, मैं खुद करूँगा. जॉब पे लगा, फिर एक दो महीने में फिर कुछ तो सीन हुआ था, दूसरी जगह जॉब करने लगा. तो वो टाइम पे फिर पैसे रुक गए थे. तो मैं एक जिम जाता था, शाहनगर जिम बोलते हैं, वहाँ पे वहाँ के रूल बहुत ही अलग थे. शॉर्ट्स में वर्कआउट करना है और जूते पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते, ऐसा सीन था. लोकल जिम होता है ना एकदम, और 100 रुपीज पर मंथ का था वहाँ पे. तो वहां पे मैं जिम करता था. ये फोटो भी लोगों के पास नहीं है, ये भी मेरे को फेसबुक के वो अकाउंट से मिले. वाओ, 18 साल का था मैं ये टाइम पे. हाउ नाइस यार, वंडरफुल. द लास्ट स्क्रीनशॉट जो आपने लिया हो? लास्ट स्क्रीनशॉट मेल का है, बिजनेस. ओके, मोस्ट यूज्ड ऐप कौन सा आपके फोन में? इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम. एक स्टूपिड या रैंडम ऐप जो आपके फोन में बस ऐसे ही पड़ा हुआ होगा? स्नैपसीड है. स्नैपसीड, अच्छा है यार, पर मैं यूज नहीं करता. नहीं करते इस वक्त. अगर कोई ऐप अनइंस्टॉल करना है तो कौन सा करोगे?
थ्रेड्स कर नहीं सकते, इंस्टा भी हो जाएगा। नहीं बोल्ट करूंगा, बोल्ट। मैं इधर गया था ना यहाँ पे थाईलैंड में, जैसे ओला होता है ना तो वैसे ये बोल्ट होता है। ओके। सस्ते में एकदम बाइक पे छोड़ देते हैं उसमें, और वहाँ पे जित आदमी से ज्यादा औरतें चलाती है टैक्सी और ये। इंटरेस्टिंग ना। हाँ, तो ये बोल्ट है, बहुत सस्ता। आप भी अगर थाईलैंड जाओगे तो बैंकॉक बैंकॉक जाओगे तो आप ये यूज कर सकते हो, कम में पड़ जाओगे। परफेक्ट। लास्ट मिस कॉल किसका है? लास्ट मिस कॉल शाहिद दुबई। ओके। एक ऐसा इंसान जिसको आप बहुत कॉल करते हो? मैं कॉल करता हूँ मेरे मैनेजर को। आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन होगा? मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे फेमस पर्सनालिटी कौन हो सकता है? मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबसे फेमस कौन है? याद नहीं, सभी है ऐसे देखेंगे तो, सब अपनी अपनी जगह फेमस ही है, अच्छा ही कर रहे काफी। ओके। आपके लास्ट तीन कॉल्स? एक सरफराज भाई, एक साक्षी और एक जनक भाई। ओके। एक ऐसा इंसान जिसको अपने व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं किया अब तक? मैं बहुत सारे लोगों को नहीं किया। मतलब जानबूझ के नहीं, सच्ची में मैं ऐसा नहीं सोचता। अभी मेरे सब दोस्त लोग ये मालूम बड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजे क्या? भाई 727 ये नया नंबर है मेरा, नए नंबर पे 727 पेंडिंग है। वेरी बिजी। तो एन इंस्टाग्राम अकाउंट जिसको आपने ब्लॉक किया हुआ है? ब्लॉक नहीं करता, नहीं करते। ट्रोलर्स को भी नहीं, मतलब ऐसे किसी का बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बहुत होता है ट्रोलर्स तो क्या ही करेंगे। देखो उन लोग को जवाब देना, उन लोग को लगता है कि कुछ लोग ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा उन लोग को इफेक्ट करता है ये सब चीजें, उन लोग नहीं सोचना चाहिए और मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। वो लोग है ना कि सामने देख लेंगे ऐसे आंख दिखाएंगे या ऊंची आवाज में डांट देंगे ना तो पैंट गिली हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सामने देखेंगे तो फैन जैसे मिलेंगे तो हाथ बन के मुंडी नीचे खड़े करेंगे, वो ऑनलाइन करते तो उन लोग ऑनलाइन ही कर सकते हैं, इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता है। सामने कोई बोले हुए तो फिर देखेंगे। लास्ट मैसेज आपने किसको भेजा था? लास्ट मैसेज मैंने किसको भेजा था? मेरा एक दोस्त है कनाडा। ओके। साकिब करके उसको। सबसे ज्यादा यूज कौन सा इमोजी करते हो आप? हंसने वाला। आँख से आँसू निकलते हैं। अभी आपको किसी को कॉल करना होगा जो पहली बार में फोन नहीं उठाएगा। एक ही बंदा है, मतलब अगर आप मेरे सर पे बंदूक रख दोगे ना और बोलोगे कि तेरे एक दोस्त को कॉल कर जो तेरा फोन उठाए और जिसके से मैं तेरे को छोड़ दूं, मैं दुनिया में ना किसको भी कॉल कर सकता हूँ, हसन को नहीं कर। You'll have to call him and put it on speaker. Let's see. काफी लोगों के ना ये चेंज हुए पता है यहाँ पे आके। ये नहीं होएगा, मेरे को मालूम है। सो रहा होएगा अभी। इसकी सुबह असर में या मगरिब में होती है। दो बार करूंगा, दो बार पूरा करूंगा। नहीं उठाएगा, मैं इसको ये बोल चुका हूँ। वापिस से करूंगा देखो। क्यों नहीं उठाते परे पे? नहीं उठाता, ये उठता ही नहीं है। 5-6 बजे इसकी सुबह होती है। इसको मैं जानबूझ के इंटरव्यू में हम लोग इधर उधर बोलते हैं ताकि इसको बुरा लगे, इसको अफेक्ट हो और ये अपना शेड्यूल सही करे, वे ध्यान देवे अपने पे। And he has won you a point already. Lastly, क्या आप एक phone addict हो? हाँ, पर मैं उतना नहीं हूँ जैसे normally content creators रहते हैं। मैं क्योंकि थक गया हूँ अभी और मैं time ऐसे सामने से मिलके spend करने में ज़्यादा मेरे को better लगता है और scheduled रहता है मेरा पूरा चीज़ें। मैं ज़्यादा screen time नहीं देता हूँ और मैं ये suggest भी करूँगा लोगों को कि ये बहुत गंदा इसका addiction है और सबसे मेन चीज ये चीज से ना लोग अपने आप पे काम करने से दूसरा दूसरे का अच्छा देख के ना अपनी लाइफ को पोसते हैं। ये बहुत एक बड़ा जाल है, तो वो सब आप दूसरे की अच्छी चीजों को देख के आप डिमोटिवेट हो गए, इसलिए आप इसको कम ही यूज करो और वो टाइम आप प्रे करने में लगाओ, इबादत करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ करो, अपने आप पे टाइम स्पेंड करो, अच्छा काम करो।
Well, on that note, we are signing off this interview, Adnan. Thank you so much for talking to us. It was lovely having you with us. Thank signing you. Off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Thank you.